राष्ट्रपति महोदय, मैं बैठ जाता हूँ, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं कहता हूँ जी हाँ, जो लंबे समय से मांग थी वन रैंक वन पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूँ, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। करगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे, 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय परमवीर चक्र कर रही हूँ, आपस में चढ़ जाना। ये मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ, सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल के हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ अफवाहें फैलाने का झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। प्लीज बैठिए। सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं उस राज्य से, तो हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे, 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूँ जी हाँ, जो लंबे समय से मांग थी वन रैंक वन पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूँ, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदस्य साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%। सभापति महोदय, बैठिए। सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। कितने परमवीर चक्र कर रही हूँ, आपस में चर्चा ना करें। ये सभापति महोदय, ये सभापति महोदय जी जी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अफवाहें फैलाने का झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूं, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ,
दर्द में बताता हूँ, बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर चर्चा। सभापति जी, दर्द में बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए, वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते, बजट पर पूरी अपनी बात सभापति महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी सत्ता में आएंगे साल दो साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप माननीय सदस्य। और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहाँ बैठे मिलोगे। और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे, माननीय सदस्य कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं एक दो तीन बातें कहता हूँ यूपी को लेकर के, मैं मांग करता हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदय, चंबल एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो 1,00,000 करोड़ का बना है वो दिल्ली मुंबई से है, और यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप। गंगा को लेकर के सब चिंतित हैं, गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है, जो बजट गया पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। जैसे पानी बहा वैसे ही बजट भी चला गया। दूसरा, क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं वो जानते होंगे मंत्री जी कि देश की सबसे अच्छी लाइन सफारी बनी है इटावा में, और उस लाइन सफारी को बनाने में हम लोगों को बहुत समय लगा, क्योंकि एक लाइन सफारी एनिमल सफारी अगर बननी हो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जगह से परमिशंस लेनी पड़ती हैं, हम लोगों को परमिशंस नहीं मिली। और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, एशियाटिक लाइन्स की ब्रीडिंग शुरू हो गई वहाँ पर, ये सरकार इसलिए नहीं शुरू करना चाहती है क्योंकि वो समाजवादियों ने बनाई है। पहली बार देश में एशियाटिक लाइन्स पैदा हो रहे हैं, नहीं वहाँ पर इटावा में पहली बार हो रहे हैं, और वो इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं। और वो शेर मैं बता दूं आपको, शेर आया था कि कोई और आया था, वो कहानी मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, फिर मैं बोल दूंगा तो फिर कहोगे कि क्या बोल दिया मैंने, इसलिए मत बुलवाइए तो ही अच्छा है। कि कुछ तो धन्यवाद माननीय बने रहे, धन्यवाद, कुछ मत बुलवाइए मुझसे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइन सफारी एनिमल सफारी उस क्षेत्र की यूपी की प्राइड है, वो कि पहली बार ब्रीडिंग सेंटर एसेटेक वहाँ पर बन गया है। दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार मिलकर के उसको शुरू नहीं होने दे रही है, मुझे उम्मीद है कि उसको शुरू करवा देंगे आप। और आखिरी में मैं कहता हूँ, चलते चलते आप दो लाइनें कहता हूँ, बुनियाद को नकार कर जो इमारतें उठाएंगे, हम भी देखते हैं वो किस मंजिल तक जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत अखिलेश जी, कुछ ज्ञान माननीय विपक्ष के नेता को भी दे दीजिए, आपने अच्छा भाषण दिया, उनको भी सिखा दीजिए।